नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अगर कभी वेस्टइंडीज क्रिकेट की भारत के साथ रिश्तों पर बात होगी तो विव रिचर्ड्स और नीना गुप्ता की लव स्टोरी पर चर्चा जरूर होगी, क्योंकि विव रिचर्ड्स वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज थे और नीना गुप्ता उस वक्त भारत की उभरती अभिनेत्री। लेकिन इस वक्त नीना गुप्ता इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके लड़कियों को सलाह दी है कि वो कभी शादीशुदा आदमी के प्यार में ना पड़े। तो इस बयान के बाद नीना गुप्ता और विव रिचर्ड्स की लव स्टोरी की चर्चा होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जब नीना गुप्ता और रिचर्ड्स की लव स्टोरी चल रही थी तब रिचर्ड्स भी शादीशुदा थे और करीब 30 साल पहले नीना खुद वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के प्यार में आने और बगैर विवाह के मां बनने के कारण चर्चाओं में। तब नीना गुप्ता की रिचर्ड्स की वो लव स्टोरी उन दिनों को देखते हुए उन दिनों के हिसाब से बहुत बोल्ड थी और इस खबर ने उस वक्त काफ़ी तहलका मचा दिया था। क्रिकेट जगत से लेकर बॉलीवुड तक काफ़ी चर्चा हुई थी। तहलका तब ज़्यादा मचा जब बिना शादी किए नीना ने मुंबई के अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। तब इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी, मीडिया की खूब हेडलाइन बनी। जिसे देखो उस वक्त वो नीना के बिना शादी के माँ बनने की खबर की चर्चा कर रहा था। तब नीना ने समाज, अपने पेरेंट्स और शुभचिंतकों की राय के खिलाफ जाकर माँ बनने का ये फैसला किया था। अच्छा, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात और बता दें कि जब नीना ने बेटी को अस्पताल में जन्म दिया था तब अस्पताल में जो रिकॉर्ड रखा जाता है जिसमें माँ और बाप का नाम लिखा जाता है उस पर पिता का नाम दर्ज नहीं कराया गया था। लेकिन उसके बाद जब मीडिया ने नीना से बेटी के पिता का नाम पूछा तो नीना ने मीडिया को भी पिता का नाम बताने से इनकार कर दिया। तब इस बात को लेकर खूब चर्चा हुई थी कि आखिर इस बेटी का पिता है कौन। इसके बाद नीना दोबारा सवालों से बेपरवाह होकर अपने काम में जुट गई, क्योंकि उस वक्त नीना फिल्मों में काम करती थी, रंगमंच में काम करती थी। लेकिन राज तो खुलना था, सो खुला। और ये राज तब खुला जब एक खोजी पत्रकार ने मुंबई में जाकर तमाम जन्म प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेजों की पड़ताल की और वो पत्रकार उस जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी निकाल कर लाया जिसमें नीना गुप्ता की बेटी के पिता का नाम लिखा हुआ था। फिर ये खबर तमाम अखबारों में छपी, तमाम अखबारों की हेडलाइन बनी। तब दुनिया को पता चला कि नीना की बेटी मसाबा के पिता का नाम विव रिचर्ड्स है। तो ये नीना गुप्ता और विव रिचर्ड्स की लव स्टोरी की एक अहम किस्सा था जो हमने आपको बताया और आपको पता होना चाहिए था। अब आपको बताते हैं कि आखिर रिचर्ड्स और नीना गुप्ता नज़दीक कैसे आए, कैसे इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। तो ये सभी को पता है कि विवियन रिचर्ड्स 70 और 80 के दशक के वर्ल्ड क्रिकेट के बहुत बड़े नाम थे। तब रिचर्ड्स का नाम दुनिया के महान बल्लेबाज के तौर पर लिया जाता था। उनका कद काठी, पैनी नज़रें, बला की ताकत दुनिया के गेंदबाजों के खौफ का पर्याय बन चुकी थी। बस रिचर्ड्स के मास्टर खेल और उनके व्यक्तित्व को देखकर नीना उनको दिल दे बैठी। ये बात साल 1987 के आसपास की थी। तब भारत में रिलायंस वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा था। इसी दौरान नीना की मुलाकात विव रिचर्ड्स से हुई। पहले मुलाकात हुई और फिर दोनों करीब आए। इसके बाद रिचर्ड्स तो वापस वेस्टइंडीज चले गए, लेकिन दिलों में जो नज़दीकियाँ बनी थी उनमें दूरियाँ नहीं आईं, वो नज़दीक आते रहे। दोनों में बातें होती रहीं, इस दौरान मिलना जुलना भी होता रहा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए, दोनों में प्यार बढ़ता जा रहा था, लेकिन विव रिचर्ड्स शादीशुदा थे। उन्होंने एंटीगुआ की मरियम से लव मैरिज की थी। उसके बाद में वो नीना गुप्ता के प्यार में पड़े थे और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी तरह से चल रही थी। लेकिन जब नीना उनके जीवन में आई तो रिचर्ड्स भी खुद को रोक नहीं पाए। कह सकते हैं कि नीना उनके मोहपास में बंधी और रिचर्ड्स नीना के रंग में रंग चुके थे। कहा जाता है कि उन दिनों मुंबई में काम के बीच फुर्सत पाते ही नीना सीधे इंग्लैंड चली जाती थी, जहां रिचर्ड्स का दूसरा घर था और रिचर्ड्स अक्सर वहां पर रहते थे। यही नहीं, रिचर्ड्स भी जब तब वक्त निकलता तो मुंबई आते, नीना के फ्लैट में उनके मेहमान बनते। ये सब इतने गुपचुप तरीके से चल रहा था कि ना तो बॉलीवुड में किसी को पता था और ना ही क्रिकेट जगत में किसी को पता था। कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई है। वैसे कहते हैं कि प्यार छुपाए नहीं छुप सकता, क्योंकि इस प्रेम कहानी का पता दुनिया को तब चला जब पिता के रूप में उनका नाम सामने आया। सोचिए कि अगर पिता के रूप में रिचर्ड्स का नाम सामने ना आता तो शायद ये लव स्टोरी कभी किसी के सामने आती ही नहीं। वैसे इस प्रेम संबंध का असर रिचर्ड्स के अपने दाम्पत्य जीवन पर क्या पड़ा ये तो नहीं पता और ना ही कोई खुलासा इसके बारे में कभी हुआ। लेकिन वो अपनी पत्नी मरियम से कभी अलग नहीं हुए, बल्कि मरियम ने मसाबा, जो कि नीना गुप्ता की बेटी थी, उसको पति की बेटी के रूप में स्वीकार किया और उनको माना कि हाँ, ये मेरे पति की दूसरी बेटी है और वो उनके साथ रहती भी थी। वैसे रिचर्ड्स और नीना ने कभी शादी नहीं की, लेकिन वो पिछले वर्षों में
लगातार भारत आकर बेटी के साथ समय गुजारते हैं। आपने अक्सर तस्वीरें देखी होंगी जब रिचर्ड्स अपनी बेटी मसाबा के साथ आकर भारत में रहते हैं, समय बिताते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने स्वीकार किया कि हाँ, वो ही मसाबा के पिता हैं। बचपन में स्कूल की छुट्टियों के दौरान मसाबा भी पिता के साथ, परिवार के साथ समय गुजारने के लिए एंटीगुआ जाती रही हैं। वहाँ अपने भाई बहन के साथ समय बिताती थी। अब क्योंकि विव रिचर्ड्स कभी भी अपनी पत्नी से अलग नहीं हुए, तो नीना से उनकी लव स्टोरी पर भी जल्द ही फुल स्टॉप लग गया। हालांकि इसके बाद गॉसिप्स में नीना का नाम कई लोगों से जुड़ा, जिसमें आलोक नाथ की चर्चा हुई, संगीतकार सारंग देव तक के नाम में शामिल किया गया। लेकिन क्रिकेट और रंगीन दुनिया की ये ऐसी प्रेम कहानी थी जो ना तो कभी पूरी तरह से चली और ना ही कभी पूरी तरह से रुकी। कह सकते हैं कि इस प्रेम कहानी में दोनों ने किसी से कोई शर्त भी नहीं रखी थी, क्योंकि जहाँ शर्त होती है शायद वहाँ इंसान थोड़ा स्वार्थी हो जाता है। क्योंकि अगर कोई शर्त होती तो शायद नीना कभी विव रिचर्ड से शादी की जिद भी कर सकती थी, और जब बात खुली तो दोनों के रिश्ते भी खराब हो सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस प्रेम कहानी में केवल प्यार था, जिसकी चर्चा हमेशा होती रही। लेकिन साल 2008 में नीना ने विवेक मेहरा से गुपचुप तरीके से शादी कर ली। लेकिन इस शादी में भी विवेक पहले से ही शादीशुदा थे। पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद विवेक ने नीना गुप्ता से शादी की। नीना अब 60 साल की हो चुकी है, लेकिन जब भी क्रिकेट और बॉलीवुड के रिश्तों की बात होगी तो इस प्रेम कहानी की चर्चा जरूर होगी। तो इस प्रेम कहानी का जिक्र करना जरूरी था। हमने सोचा कि आपको ये एक स्पेशल किस्सा जरूर बताएं। वैसे आपको हमारी स्पेशल कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।